हेलो एवरीबॉडी, हमने पढ़ लिया था सेक्शन नंबर 12 तक। थोड़ी सी नॉइज आएगी, प्लीज इग्नोर दैट। सेक्शन नंबर 12 में हमने पढ़ा था कि गुड्स का जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सर्विसेज का जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम फॉलो करते हैं सेक्शन नंबर 13 को। सेक्शन नंबर 13 के फर्स्ट क्लॉज ने हमें बताया, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज एट द शेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज द डिटरमाइन इन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो प्रोविजंस गिवन हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो अब प्रोविजंस क्या हैं, यहाँ पे हम प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं वो इनमें से जो सबसे पहले की डेट होगी, जो सबसे अर्लीस्ट डेट होगी, हम उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तीन तरीके की डेट है यहाँ पे। एक डेट है कि हमने इनवॉइस इशू कर दिया, जब हमने इनवॉइस इशू कर दिया प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर, तो वहाँ पर हम जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया हम उस डेट को इनवॉइस की डेट, सप्लाई की डेट मान लेंगे। दूसरा, अगर हमने इनवॉइस इशू नहीं किया है, अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर, तो हम कौन सी डेट लेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हो गई है। या तो फिर तीसरा केस हमारे पास बनता है कि हमने जो हमारा रिसिपियंट है उसने अपनी बुक्स में शो कर दिया है कि उसे सर्विसेज रिसीव हो गई हैं। इन तीनों में से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी हम उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव द अमाउंट अप टू 1000। अगर उसने 1000 तक एक्सेस लिया है, तो वही वाला केस है जो हमने गुड्स के केस में पढ़ा था। अगर उसने 1000 तक एक्सेस लिया है तो जो अमाउंट इंडिकेट हुई है ना 1000 की, उसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी वो उसी टाइम अराइज हो जाएगी जब उसे उसका इनवॉइस इशू करने की जो डेट अराइज होगी वो वही डेट होगी जिस दिन वो रिसीव कर लेगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट को। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसी का जो मैंने आपको समझा दिया अभी। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम ये जो गिवन हमें डेट्स हैं इनमें से अर्लीस्ट डेट ले लेंगे। सबसे पहले तो डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपियंट, रिसिपियंट ने अपनी बुक में एंट्री कर दी, या तो फिर ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, जिस दिन बैंक ने अपनी बुक्स में शो कर दिया। इन दोनों में से हम पहले देखेंगे कि अर्लीस्ट क्या है, उसके बाद में हम नीचे आएंगे। इसमें है डेट इमिडिएटली शोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर ये नहीं हुआ है तो हम ये देखेंगे, फिर हम इन दोनों को, ये वाली दोनों हम कंडीशंस को कंपेयर करेंगे, जो इनमें से अर्लीस्ट आएगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स के केस में हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा क्लॉज भी कह रहा है जब हमने वाउचर इशू किया था, इफ़ दी इट इज़ आइडेंटिफाइबल दैट दी पॉइंट, ठीक है, जिस दिन हमने वाउचर इशू किया था उस डेट को हम ले लेंगे अगर वो आइडेंटिफाइएबल है तो। अगर डेट ऑफ रिडम्पशन, यहाँ पे हमारा वाउचर आइडेंटिफाइएबल नहीं है, मतलब कि मुझे नहीं पता है कि वो किस डेट को इशू हुआ है, तब उस केस में जब रिसिपियंट ने उसे रिडीम कर लिया, जब वो वाउचर रिडीम हो जाएगा उस दिन वो आइडेंटिफाइएबल होगा। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, तो हम क्या करेंगे उसमें, सबसेक्शन नंबर 2 और 3 के हिसाब से हम नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न, अगर हम भर रहे हैं तो जिस दिन हमने रिटर्न भरी होगी, जिस डेट को हमने रिटर्न भरी होगी उसको मान लेंगे। अगर हम पीरियोडिकल रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो जब हमने टैक्स पे किया है हम उसको मान लेंगे। फिर सबसेक्शन नंबर 6 कह रहा है, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू
बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जिस दिन हमें वो इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी रिसीव हुई है ना, वो डेट हमारी हो जाएगी सप्लाई की डेट। अब सेक्शन नंबर 31 है यहाँ पे, और उसके बाद में जो ये डायग्राम्स इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं इनको हमें ठीक से अच्छे से अपनी बुक्स में कट एंड पेस्ट कर लेना, पढ़ लेना, याद करके इनको, यही काम आएंगे हमारे एट लास्ट, क्योंकि पूरी बुक हम नहीं पढ़ पाएंगे उस टाइम। तो सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से टैक्स इनवॉइस की जो टाइम होता है कब इशू हो जाना चाहिए वो हम इसमें पढ़ते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड इशूड अ टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, जो टैक्स इनवॉइस हम इशू करेंगे उस टैक्स इनवॉइस के अंदर होना चाहिए वैल्यू, टैक्स कितना चार्ज किया है हमने, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें उसके पर्टिकुलर्स में कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं हम। सबसेक्शन 2 कहता है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफिकेशन दे सकती है हमें। किस कंडीशन के बारे में नोटिफिकेशन दे सकती है, कि ये स्पेसिफाई कैटेगरीज हैं जिनके लिए अब हमें इस तरीके से काउंट करना होगा, हमारा ये वाले तरीके से हमें अपना कैलकुलेट करना होगा, ये गवर्नमेंट हमें नोटिफिकेशन दे सकती है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड इन रिलेशन टू सप्लाई टैक्स इनवॉइस में नोट भी इशूड, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कह सकते हैं कि अब इस केस में हमें इन गुड्स की सप्लाई या फिर इन सर्विसेज की सप्लाई के केस में हमें इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं कि हमें इसके साथ टैक्स इनवॉइस के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट भी इशू करना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी होगी, वो हमें नोटिफिकेशन के थ्रू इस बारे में बताएंगे। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ असर्टेनेबल, जहाँ पर हमने पेमेंट की ड्यू डेट को असर्टेन कर रखा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो जो इनवॉइस इशू होगा ना वो या तो उस डेट को होगा या फिर उससे पहले होगा, उसके बाद में नहीं होगा। किस डेट को होगा, जिस पे हमने पेमेंट किया है, ठीक है, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के केस में कैलकुलेशन करनी है तब। देन क्लॉज बी कह रहा है वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम वेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, जिस दिन सप्लायर ने सर्विसेज को रिसीव कर लिया हम उस दिन को या फिर उससे पहले अपना इनवॉइस इशू करेंगे। जहाँ पे हमारी पेमेंट भी लिंक नहीं है, पेमेंट लिंक है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मतलब जब इवेंट कंप्लीट होगा तभी हमारी पेमेंट होगी, तो गवर्नमेंट रुकी थोड़ी रहेगी उसके लिए, चार साल में अगर इवेंट कंप्लीट होगा तो चार साल थोड़ी गवर्नमेंट वेट करेगी। तो यहाँ पे इनवॉइस जो इशू हो जाएगा हमारा वो उस डेट को या उससे पहले की डेट को, जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट होगी उससे पहले हम इशू कर सकते हैं या फिर उस डेट को भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस केस में हम पहले ही करवा देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इतना इंतज़ार नहीं करती है। इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज, जिस दिन सप्लाई सीज हो जाएगी, अगर हमने कोई किसी गुड्स की सप्लाई को सीज कर दिया, हम पहले उसकी सप्लाई ले रहे थे फिर हमने रोक दिया कि हमें नहीं चाहिए अब सप्लाई, उस केस में जिस दिन सप्लाई सीज हो जाएगी या तो उस दिन या तो फिर उस दिन हम इशू कर देंगे अपना इनवॉइस या तो फिर हमारा इनवॉइस इशू होगा उससे पहले सीजेशन वाले दिन या फिर उससे पहले हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। रूल 47 कहता है कि टाइम लिमिट क्या होगी इनवॉइस को इशू करने के लिए। इनवॉइस रेफर्ड इन रूल 46 इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, हम यहाँ पे 30 दिन दे रहे हैं
इनवॉइस इशू करने के लिए अगर हम सर्विसेज के केस में हैं तो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर इज एन इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इन लोगों को क्या कितना टाइम दिया गया, इन्हें दिया गया 45 डेज। कौन कौन सी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या फिर NBFC, इनको 45 डेज दिए गए हैं। अदरवाइज हमें गिवन है कि 30 डेज हम इनवॉइस इशू कर देंगे। देन उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद में यहाँ पे इलस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ये इलस्ट्रेशन आपको करने पड़ेंगे इस बार, क्योंकि मैंने पहले करवा दिए थे तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे कंसिडर करना है। अब ये वाले इलस्ट्रेशन आप कर लेना, मैं अगली क्लास में मैं इन्हें डिस्कस कर लूँगी, लेकिन फिर भी आपको ट्राई तो करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने चार्ट बहुत अच्छे अच्छे बना कर दिए हमें। चलो एक दो इलस्ट्रेशन देख ही लेते हैं, क्योंकि चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो ही चुका है। कहाँ से आ रहे थे हम? इलस्ट्रेशन नंबर 5 से देख लें। डिटरमाइन वेयर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कौन सा केस है? पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। 6 मई को बुकिंग ऑफ कन्वेंशनल हॉल, हमने हॉल बुक किया है, मतलब ये सर्विसेज का केस है, जिसका सम अग्री हुआ था 15,000 रुपये और एडवांस हमने दे दिए 3,000 रुपये। 15 सितंबर को फंक्शन होना है और 27 सितंबर को इनवॉइस इशू किया है 15,000 रुपये का, इंडिकेटिंग द बैलेंस ऑफ 12,000 पेबल, 12,000 रुपये हमने पे करने हैं आगे, ये उस इनवॉइस में लिखा हुआ है और 3,000 हम पे कर चुके हैं। तो 3 नवंबर को बैलेंस हमारा 12,000 रुपये पे कर दिया, मतलब उसने रिसीव कर लिया सप्लायर ने। तो इस केस में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम किस हिसाब से करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद हम जो हमारे पास केस है उसको हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे। इनवॉइस नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, यहाँ पे हमने ये चेक किया कि वो 30 दिनों के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमें आगे का केस उसी के ऊपर जज करना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हुआ है, उसने 30 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लिया है, इसलिए तो आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन हमने सर्विसेज रिसीव किए हैं या तो फिर जिस दिन हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव कर लिया, जिस दिन रिसिपिएंट ने सर्विस रिसीव किया या फिर जिस दिन सप्लायर ने पेमेंट रिसीव कर ली है, हम उसमें से अर्लीस्ट डेट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो 6 मई को हमने 3,000 रुपये पे किए थे, उसके बाद में हमने पेमेंट कर दी थी, ये वाली डेट हमारी अर्लियर डेट थी, लेकिन उसके बाद में जो हमने फाइनल जो पेमेंट करी है वो हमने 15 सितंबर को करी है, जबकि हमने जो सर्विस ली थी वो उसके बाद ली थी। तो हमारी जो अर्लीस्ट डेट आ जाएगी वो यही होगी, तो इसी डेट को बनेगा हमारा इनवॉइस। थर्टीन मिनट्स में हमारा रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आगे हम दूसरी क्लासेस में करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो इसी चैप्टर की एक और यूनिट है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।